एवरीवन, तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो भाई ये गेम प्ले वीडियो होने वाली है शील्ड वर्सेस थ्री बेस्ट फ्रेंड, मतलब थ्री ब्रदर वर्सेस थ्री बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में। चलो भाई करते हैं शुरू। तो तीन बेस्ट फ्रेंड है अंडरटेकर, शॉन माइकल एंड ट्रिपल एच, और ये फ्रेंड्स भी हैं और ये आप एक दूसरे को ब्रदर्स भी बोलते हैं। और ये ट्रिपल एच, शॉन माइकल और ट्रिपल एच भी एक दूसरे को भाई फ्रेंड्स भी बोलते हैं और ब्रदर्स भी बोलते हैं। तो देखते हैं भाई ये मैच में से कौन करेगा विन। नॉकआउट इस मैच के अंदर ऑन है और कुछ नहीं। तो पहला फिनिशर लगाया डीन एम्ब्रोस ने अंडरटेकर को। चलो भाई, तो मुझे लग रहा है एक और फिनिशर का तैयारी करेंगे। अरे यार अंडरटेकर सर बच गया, अभी तो मैच थोड़ा अच्छा जाएगा। अगर पहले ही अंडरटेकर एलिमिनेट हो जाते दो फिनिशर से तो फिर भाई मज़ा नहीं आना था। और डीन एम्ब्रोस के तीसरा फिनिशर तो भाई रिवर्स होना ही था, बैक टू बैक नहीं लगाना चाहिए था, टैग दे देना चाहिए था पीछे रोमन या फिर सेथ को। तो चलो भाई, तो ये मैच भी एक जबरदस्त मैच है इनकी। शेयो के शेयो सुपरस्टार, कोई किसी से कम नहीं भाई, अपने अपने टाइम के शायो सुपरस्टार। डीन एम्ब्रोस चले गए बाहर और अंडरटेकर ऊपर से डाइव लगाने में भाई मशहूर है। चलो भाई, अरे अंदर फाइट करनी है तो वही अंदर करनी है, अंदर फिनिशर भी ट्राई हो जाते हैं। अगर अंडरटेकर सर जितना अंदर रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। पकड़ा रोमन को, चलो दोनों के एक पंच दे दिया, दोनों में से कोई भी नीचे नहीं गिरा। अरे जब, चलो ठीक है, मैंने सोचा कि शायद रिवर्स हो गया। ऊपर से डीन एम्ब्रोस भी शॉन माइकल को मार रहे हैं रिंग के अंदर, नहीं जा रहे। अच्छा भाई मैंने 10 count रखा हुआ है, नहीं तो मैं 5 count रखने वाला था। 5 count रखता तो डीन एम्ब्रोस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते। और डीन एम्ब्रोस ने भाई दोनों को स्टन कर दिया। उधर अंडरटेकर ने भी दोनों को स्टन कर दिया है। लगता है ये दोनों ही अकेले लड़ना चाहते हैं रिंग के अंदर, बाकी चारों तो भाई ऐसे तमाशा देखने आए हैं। रोमन तो जाने वाले हैं बाहर और ये क्लोज लाइन, मैंने सोचा कि शायद अंडरटेकर को बाहर कर देंगे पर ये क्लोज लाइन तो भाई अंदर ही रह गई। तो डीन भाई अपना जल्दी से जल्दी मोमेंटम बना रहे हो, अंडरटेकर ने मोमेंटम कर दिया बेस्ट भाई। अभी जल्दी से जल्दी या तो फिनिशर लगाओ, चाहो तो भाई टैग दे दो, नहीं तो ये फिनिशर आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। टेकर सर आप एलिमिनेट हो जाओगे इससे पहले कि विकांड हो, उससे पहले ही आप टैग दे दो। रोमन ट्राई कर रहा है फिनिशर का, अगर थोड़ी सी और स्पेस होती तो रोमन ने अपना रनिंग स्पेयर दे देना था। टैग की तैयारी चल रही थी पर टैग मिला नहीं, रोमन ने पहले ही पकड़ लिया। पर इधर फिर से टैग मिलने वाला है, किसको मिलेगा, सेथ को। अरे टैग नहीं देने दिया पीछे से, अरे पीछे से कांड होने ही वाला था पर बच गया भाई अंडरटेकर सर। यही टाइम है अगर आप चाहते हो कि आप एलिमिनेट ना हो। अरे पीछे तो देखो सर, पीछे जो लीगल है वो उठ खड़ा हो गया और ये लगा स्पेयर, बच गया भाई। क्या किस्मत है लेजेंड्स की, फिर स्पेयर से बचिए, फिर वही सेम मूव अंडरटेकर अगर स्टन हो गए ना। टैग, अरे टैग मिलने वाला था, किया रिवर्स भाई एक किक के सहारे। अभी टैग मिलने वाला है तो मिल गया, वो भी ट्रिपल एच को, तो बढ़िया भाई ट्रिपल एच को टैग मिला। अगर ट्रिपल एच अपने फिनिशर की बारिश करेंगे तो शायद रोमन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो ट्रिपल एच की भी आते ही धुलाई हो गई। सेथ को टैग मिला और भाई सेथ भी लगाएगा सुसाइड डाइव। अरे सुसाइड डाइव लगाने की जगह अंडरटेकर से क्यों उलझने चले गए भाई, यही तो मुझे समझ नहीं आता। और सेथ लगा रहे हैं कॉम्बो, जो कि भाई इनको कॉम्बो लगाने की जरूरत नहीं है, इनका कोई रनिंग मूव तो है नहीं है, ना सिग्नेचर ना फिनिशर, फिर भी कॉम्बो। अरे फिनिशर का ट्राई नहीं किया और ये ट्रिपल एच ने रिवर्स कर लिया है। ट्रिपल एच ने रिवर्स कर लिया, उठाते ही समझ गया था मैं कि ये रिवर्स है। ट्रिपल एच टैग मत दौरे यार, शॉन माइकल को टैग दी दे, इनका फिनिशर थोड़ा सा ढीला है, देखा ना। जब तक ये लगाएंगे सेथ रोलिंस अपना काम कर देंगे और फिनिशर लग गया। टैग मिलने जा रहा है रोमन को, रोमन के उठाने से पहले पहले भाई ये स्टन मीटर खत्म हो जाए, नहीं तो ये भी अपना फिनिशर लगा देंगे। फिलहाल तो पावर बॉम्ब लगाया हुआ है, डुअल है कि सिंगल है, सिंगल पावर बॉम्ब। टेकर सर पीछे से कोई 3 punch करो ना। चलो तो ट्रिपल लेच भी स्टन एप्रेन के ऊपर भाई एक बैक सुप्लेक्स दे दिए। अरे सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स, मतलब पावर बॉम्ब पे पावर बॉम्ब चला रहे हैं यहाँ पे रोमन।
पर स्पेयर ये भी नहीं लगा रहे, और शॉन माइकल ने तो भाई फिनिशर की तैयारी की थी पर लगा नहीं, क्योंकि स्लो है भाई। और जहाँ पे अगर कोई फिनिशर इनकी तरफ से कोई लगा सकता है बैक टू बैक, वो है ट्रिपल एच, जिनका रिवर्स भी नहीं होगा। अगर लग गया तो रिवर्स हो जाएगा, पर ये फिनिशर लगा ही नहीं रहे। और रोमन ट्रिपल एच को ऐसे ही डैमेज किए जा रहे हैं, ट्रिपल एच ने इतना अंदर सर्वाइव भी नहीं किया, पर इनकी बॉडी देखो ऑरेंज हो गई है, एनर्जी खत्म हो गई है, शॉन माइकल्स से भी ज्यादा पिट चुके हैं ट्रिपल एच। किसी का फायदा उठाएगा जैसे सेथ रॉलिंस रोल है, डीन एम्ब्रोस ने भी अपनी एनर्जी का फुल कर लिया, ऐसे रोमन की भी है, पर सेथ की कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज नहीं है। सच है भाई, 5 count का ही मैच रखना था यार, ये बाहर ही लड़े जा रहे हैं। जो सुपरस्टार बाहर लड़ते हैं ना किसी मैच में, उस मैच में भाई मेरा मन करता है कि वहीं से एग्जिट करके ना कैंसिल कर दूं वो वाला, हद पार कर देते हैं यार। पता ही नहीं है कि भाई हम किससे लड़ने आए हैं, किससे नहीं लड़ने आए हैं। बोल रहे थे कि 2K23 का AI बड़ा ही तेज है, कहां तेज है यार। शॉन माइकल कर दी वही हरकतें, एक ही फिनिशर में निकल लोगे सर, नहीं निकले तो सेकंड में जाओगे। ओके तो अच्छा हुआ डीन एम्ब्रोस को टैग मिला है भाई, इसके पास फिनिशर नहीं है, और जब तक ये सिग्नेचर का ट्राई करेगा स्टन मीटर चला जाएगा। और शॉन माइकल खुद का फिनिशर लगाने का ट्राई करो, अगर फिनिशर कोई भी बंदा जैसे डीन एम्ब्रोस अभी एलिमिनेट हो जाए तो कोई दुख नहीं है, अपने तीनों फिनिशर लगा के गए हैं। अरे मूव थिप लगाने वाले थे, सेथ रोलिंस नहीं लगा, रिवर्स कर लिए शॉन माइकल ने। ट्रिपल एच की वजह से भाई थोड़ा सा चांस मिला है, शॉन माइकल उठाओ, कॉर्नर वाला फिनिशर लगाने की जरूरत नहीं थी, ये लगा दूसरा सिंपल, अरे वो भी रिवर्स हो गया। एक और फिनिशर का ट्राई कर रहे थे, फिनिशर ट्राई करने से पहले थोड़ा उसको गिरा लो, जब गिरा के उठाओगे तो फिर ज्यादा चांस हो जाएगा, टैग मिलेगा, रिवर्स किया, अभी लगा दो फिनिशर, वेट मत करो शॉन माइकल सर, अभी लगाना है तो अभी लगाओ, लगा दो ना भाई, टाइट फिनिशर लगा दिया शॉन माइकल, उठ के एक और फिनिशर, अरे खुद ये अपना माथा क्या ही बोलूं मैं, शॉन माइकल इतना टाइम कौन लगाता है। ट्रिपल एच को टैग देना, तो ट्रिपल एच को दे दिया टैग, चलो भाई ट्रिपल एच फिनिशर, सेथ रोलिंस अगर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाए, अरे बच गया, ट्रिपल एच एक और लगा दो, रिवर्स कर सकते हैं सेथ रोलिंस क्योंकि तीसरा फिनिशर है, पर लग, अरे देखो ना रिवर्स कर दिया, अगर लग जाता तो सेथ रोलिंस गारंटी थी कि भाई एलिमिनेट हो जाते। ट्रिपल एच रिवर्स कर लो और फिर से अगेन ट्राई करो फिनिशर का, अब रिवर्स नहीं होगा, एक क्लोज लाइन से बैटर, अरे अंडरटेकर सर बोला था ना एलिमिनेट हो जाएंगे, बहुत फिनिशर बर्दाश्त किए हैं पहले के, अभी ट्रिपल एच आपका कोई फायदा नहीं है यार, क्या आइटम हो, यही फिनिशर सेथ रोलिंस को लगाया होता तो आपका बंदा एलिमिनेट नहीं होता। सिग्नेचर लगा दो फिनिशर जो बचा कुचा है, फिर शॉन माइकल को टैग दे दिया, इनका फिनिशर भी वही रिवर्स हो जाएगा। वैसे शॉन माइकल आप फिनिशर का ट्राई कर सकते हो, वो सिग्नेचर था फिनिशर नहीं था, पीटने से कुछ नहीं मिलेगा, मोमेंटम आपके पास है, सिग्नेचर आपके पास है, फिनिशर आपके पास है, और रोमन के पास भी सब कुछ है। रिवर्स नहीं किया, शॉन माइकल्स भी गए, ट्रिपल एच अकेले अब क्या कर लोगे, जिस टाइम पे बोला था फिनिशर लगाने के लिए उस टाइम पे भाई ट्रिपल एच ने फिनिशर परफॉर्म नहीं किए, तो अभी रोमन के पास फिलहाल तो कुछ नहीं है, पर ट्रिपल एच का एक फिनिशर रोमन को एलिमिनेट कर सकता है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेथ एलिमिनेट हो सकते हैं, पर उनके पास फिनिशर 3-3 है, अगर ट्रिपल एच रिवर्स कर पाए तो। टैग ही मिल गया डीन एम्ब्रोस को, डीन एम्ब्रोस तो एलिमिनेट नहीं होंगे भाई, वो तो सामने सिचुएशन दिख रही है, देखा ना अभी एनर्जी फुल है, बॉडी भी वही येलो है, ऑरेंज या रेड होती तो फिर मैं मान लेता कि भाई चलो ये एलिमिनेट हो गए, अभी कितना ही मोमेंटम बना लोगे ट्रिपल एच, और ऊपर से उनके कॉर्नर में जाके मूव लगा रहे हो, वो क्या लगने देंगे, बार बार पीछे से मारेंगे, तो ये सारी गलती ट्रिपल एच की है, मौके पे फिनिशर नहीं लगाए।
पर ठीक है, मोमेंटम बनाने वाला मूव लगा दो बस। अरे लगा दो ना यार जल्दी लगा। तो भाई एक कोई भी मूव लगा दो आपके पास फिनिशर तो आ ही जाएगा। डीन एम्ब्रोस के पास कुछ नहीं है, आप चाहो तो डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट कर सकते हो। सिर्फ एक रिवर्सल और जो डीन एम्ब्रोस एलिमिनेट। चलो भाई आ गया फिनिशर सिग्नेचर, दोनों एक साथ आए हैं। पर डीन एम्ब्रोस पीछे से कहीं अटैक ना कर दें और ट्रिपल एच अगर यहाँ पे लड़ते रहे तो डीन एम्ब्रोस तो भाई अपना काम कर जाएंगे। इनको भी भाई एक ही मूव चाहिए फिनिशर और सिग्नेचर बनाने के लिए। अरे यार कर दिया ना वही कांड, फिनिशर आ गया, सिग्नेचर भी भाई इनके पास जस्ट आने ही वाला है और ऊपर से टैग दे दिया सेथ रोलिंस को जो कि भाई फिनिशर के मास्टर है। रिवर्स करेंगे ट्रिपल एच, नहीं किया। डबल रिवर्सल कर लो, नहीं किया। पर ट्रिपल एच ने बर्दाश्त कर लिया, कोई फायदा नहीं है, अब तो गेंद लगना ही है। अरे कौन सी गलती कर दी, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी यार। सेथ रोलिंस लगाते फिनिशर तो शायद ट्रिपल एच एलिमिनेट हो जाते। चलो भाई अभी ट्रिपल एच के पास चांस है कि वो किसी एक मेंबर को तो एलिमिनेट कर दे। अगर डीन एम्ब्रोस का फिनिशर लग गया तो नहीं हो पाएगा। और ये सुसाइड डाइव रिवर्स कर लिया, अंदर लेके चलो, बाहर भी लगा दोगे तो भी चलेगा। ट्रिपल एच अंदर आने का वेट करना, दूसरे पार्टनर तक मत जाना यार, यही तो गलती ट्रिपल एच हमेशा। लगाओ यार भाई, टीम शील्ड की कर गई है विन। तो भाई यहीं पे दिखता है कि शील्ड यार पावरफुल टीम थी। वैसे शॉन माइकल ट्रिपल एच और अंडरटेकर से भी पावरफुल कोई नहीं है, शील्ड भी नहीं है, पर इन्होंने भाई अपने फिनिशर का सही इस्तेमाल नहीं किया जैसे कि भाई शील्ड ने किया। तो बोलते हैं ना कि टैग टीम में या नॉकआउट मैच में फिनिशर का बहुत महत्व होता है। तो भाई वही यहाँ पे शील्ड ने दिखाया और मैच को कर लिया विन। तो भाई जिसको भी ये मैच पसंद आया हो तो भाई कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा, और न्यू बंदा है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर लाइव स्ट्रीम के अंदर।